नमस्कार दोस्तों, बम बम भोले, हर हर महादेव। ये जो आप देख रहे हैं शमशानेश्वर महादेव का प्राचीन और चमत्कारी सिद्ध मंदिर है, जिसमें भोले बाबा की महाशिवरात्रि के दिन स्वयं नागराज अपने परिवार सहित मिलने आते हैं भोले बाबा से। ये यहाँ नागराज प्रकट होते हैं, ऐसा हर वर्ष होता है, सालों से होता आ रहा है, दशकों से होता आ रहा है। अब आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, सब हर हर महादेव के जयकारे लगते रहे, जयकारे नहीं रुके, भक्तों का तांता लगता जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से यहाँ भक्त आते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, स्वयं नागराज हैं, ये यहाँ प्रकट हो जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन खास तौर पर, और यहाँ इनको देखने के लिए भक्तों का तांता लगता जा रहा। बाहर बहुत जबरदस्त भीड़ है, और ये खास तौर पर महाशिवरात्रि के दिन शमशानेश्वर महादेव की खास आस्था है। ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, ये नागराज हैं जिनसे यहाँ के जो स्थानीय पुजारी हैं, जो इनकी पूजा करते हैं, इनको पूजते हैं, वो इनसे बातचीत करके इनको साधने की कोशिश कर रही है। आसपास महादेव की जो मुख्य मूर्ति है शमशानेश्वर महादेव की, उसके आसपास पूरा परिवार जमा हो जाता है और महादेव की महाशिवरात्रि के दिन आराधना करता है। यह आप आराधना देख रहे हैं नागराज की लाइव तस्वीरों के माध्यम से। ये देखिए महाराज महादेव के आसपास लिपट गए हैं। ये ऊपर जो मूर्ति के बैठे देख रहे हैं, परिवार का, नागराज के परिवार का छोटा सदस्य है। दोस्तों, सभी महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन शमशानेश्वर महादेव के और नागराज को उनकी आराधना करते हुए दर्शन कर पाएंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से सब खुद देखें और इसे शेयर करके सब तक इस जानकारी को पहुंचाएं। ये देखिए प्रचंड रूप है ये नागराज का। महाशिवरात्रि के दिन ये महापुण्य होता है इनके दर्शन करना। आप देख सकते हैं पुजारी इनके साथ ही बैठ गए हैं, ये इनकी आराधना करते हैं। ये प्रकट खास तौर पर महाशिवरात्रि के दिन प्रकट होते हैं। ये सबसे जबरदस्त और चमत्कारी बात है इनकी कि ये खास तौर पर महाशिवरात्रि के दिन यहाँ परिवार सहित प्रकट हो जाते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन इनको आराधना करते हुए देख रहे हैं महादेव की, सामने ये आराधना चल रही है। देखिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, महापर्व शिवरात्रि के पर्व के दिन सभी दर्शन कर पाएंगे, महादेव के दर्शन सभी कर पाए, सब तक ये स्वर्णिम तस्वीर पहुंचे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, महादेव के जयकारे के नाम के जयकारे लगते रहे, रुके नहीं है। देखिए किस तरह से पूरी आराम से घूम रहे हैं और लोग बेधड़क बैठे, मैं भी इनके पास बेहद करीब बेधड़क बैठा हूँ। ये देखिए महादेव के नाम के जयकारे लगते रहे दोस्तों। हर हर महादेव, बम बम भोले, थोड़ा करीब जा रहे हैं, बेडशीट सीधी कर दो। देखिए बेडशीट थोड़ी सुकड़ गई और सुकड़ गई उनके घूमने से। देखिए ये गोल्डन रंग में है, ये और पर उनके परिवार के सदस्य हैं, बहुत जबरदस्त खूबसूरत अद्वितीय दर्शन है। वाह वाह, क्या खूबसूरत दृश्य है, जबरदस्त। हर हर महादेव, हर हर दोस्तों, हर हर महादेव के जयकारे लगते रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसको, सब शमशानेश्वर महादेव महादेव के दर्शन कर पाएंगे। कितना खूबसूरत दृश्य है आज के महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन, सभी को नागराज के, उनके परिवार के, शमशानेश्वर महादेव सहित दर्शन हो जाएंगे। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब तक इस जानकारी को पहुंचाइए, क्या जबरदस्त अलौकिक दृश्य है, ये रोज देखने को तो नहीं मिलता। ये देखिए, और ये खास तौर पर चमत्कारी बात है इस शमशानेश्वर महादेव मंदिर की, यहाँ खास तौर पर ये महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन यहाँ प्रकट हो जाते हैं परिवार सहित और महादेव की आराधना करते हैं। कितना अलौकिक दृश्य है ये, आप इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और सब तक इस जानकारी को पहुंचाइए, बहुत अलौकिक दृश्य है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मैं इस पूरी जानकारी को कंक्लूड कर देता हूँ,
ये शमशानेश्वर महादेव का मंदिर है, काली बगीची के पास भरतपुर शहर के अंदर ये मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है, जबरदस्त है। इसकी जो चमत्कारी अद्वितीय बात है वो ये है, ये जो नाग देवता का परिवार देख रहे हैं, पूरा परिवार खास तौर पर शिवरात्रि के दिन यहाँ प्रकट हो जाता है और महादेव की आराधना करता है। खास भक्त आ रहे हैं, सुबह से ही यहाँ दर्शन चल रहे हैं। बहुत चमत्कारी मंदिर है, इसकी कहानी को सब तक पहुंचाइए शेयर करके दोस्तों, और महादेव के अलौकिक और नागराज के परिवार के अलौकिक दर्शन सभी को करवाइए। लगातार महादेव के नाम के जयकारे लगते रहे। हर हर महा